हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हम कॉम्बो बॉक्स कैसे बना सकते हैं एमएस एक्सेस में। और कॉम्बो बॉक्स बनाने का फ़ायदा ये है कि आप डिपेंडेंट लिस्ट को तलाश कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये, इसको देखना ज़रूरी है, तो आइए देख लेते हैं। इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, स्टूडेंट आई डी दिया हुआ है, स्टूडेंट नेम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है और रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले फॉर्म व्यू में जाना है हमें। तो फॉर्म में आ गए हम, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर फॉर्म में आ करके आपको सबसे पहले, तो आप फॉर्म में आ चुके हैं तो यहाँ पर आप आ जाइए डिज़ाइन व्यू में। यहाँ अगर डिज़ाइन व्यू में हम, यहाँ पर आपको जो करना है वो करना है। तो यहाँ से आप इसको खींच करके थोड़ा नीचे कर लीजिए, क्योंकि आप जो काम करेंगे वो यहीं पे आके स्टोर होगा। तो कॉम्बो बॉक्स यहाँ से आप बना लीजिए, यहाँ से खींच के कॉम्बो बॉक्स बनाइए। बना लिया आपने, अब यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन आप चूज कीजिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट नेम और एड्रेस के बेस पे हम उस इसको तलाशेंगे, खोजेंगे। ओके कीजिएगा तो यहाँ पे दो दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से ओके कीजिएगा और यहाँ से फिनिश करिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा अरेंज वे में हम कर लेते हैं, थोड़ा इसको सही से कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब चाहें तो यहाँ पे आप नाम जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ दे रहे हैं स्टूडेंट डिपेंडेबल लिस्ट हमने बनाई है, तो वही नाम हम यहाँ दे दे रहे हैं। और यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से चेंज कर दिया हमने बैकग्राउंड, ठीक है। अब आइए चलते हैं फॉर्म व्यू में। तो यहाँ फॉर्म व्यू में हम आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। एड्रेस भी आ रहा है और क्या आ रहा है, दोनों आ रहा है। तो यहाँ से आप जो सेलेक्ट कीजिएगा नीचे वो चीज़ें आ जाएंगी अपने आप। कैसे आएंगी, देखिए यहाँ पर रखा हमने, तो यहाँ पे देखिए सयानी जो है चकिया की रहने वाली है और इसका रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो नीचे दिख रहा है। अब चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे ये श्याम सेलेक्ट करते हैं तो नीचे देखिए श्याम का स्टूडेंट आईडी 2 है और ये श्याम जो है राघवनगर देवरिया के रहने वाले हैं, ठीक है। ये हमने डबल बनाया हुआ है यहाँ पर, आप इसको सिंगल भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सिंगल, आइए देख लेते हैं एक बार। हम चलते हैं वापस डिज़ाइन व्यू में, ठीक है। और यहाँ पर हमने डबल बनाया हुआ है, तो डबल को हटाने का क्या तरीका है, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एक और कॉम्बो बॉक्स बना लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये कॉम्बो बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे आपको करना है फाइंड अ रिकॉर्ड और यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि स्टूडेंट जो का जो एड्रेस है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके बेस पे क्लास को खोजना है, ठीक है, कौन से क्लास का यह है लड़का। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को लिया और फिर क्लास को ले लिया और यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ हाइड हो गई है हमारी, अगर ये हाइड वाले बटन को हम अनटिक करते हैं तो यहाँ दो चीज़ें दिखेंगी आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर और क्लास। तो इसको हम हाइड ही रहने देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो क्लास वन ये नाम है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं इसको यही रहने देता हूँ। ये हमारा लिस्ट क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करते हैं इसको, इसको थोड़ा इधर करते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लास दिख जाएगा, ठीक है। अब क्लास के बेस पे हम खोजेंगे, जैसे क्लास 8 के बच्चे हैं तो क्लास 8 का बच्चा कौन है, श्याम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। क्लास 9 का बच्चा कौन है, रानी है 9th की, देखिए यहाँ पर आ गया अपने आप, ठीक है। क्लास 7 का बच्चा कौन है, राम है, यहाँ पे अपने आप आ गया। तो इस तरह से करके हम कॉम्बो बॉक्स बना सकते हैं और डिपेंडेबल लिस्ट बना सकते हैं जिसको सर्च किया जा सके, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ताकि ये फ्री में अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।